नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। उम्मीद है मित्रों आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लेकर आए हैं पंचम प्रश्न पत्र, जो कि सामाजिक अध्ययन का है, और उसका जो मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर है, जो कि 2019 वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखलित करके बनाया है, क्योंकि अब 50 अंक होंगे आपके। आपने अगर चैनल से तैयारी की है और जितने भी मॉडल पेपर तैयार किए हैं अगर आप वो देख रहे हैं, तो लगभग आप 70 से 80% आप इन्हीं मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा आपको। और कई दिनों से मित्रों आपने देखा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे या सभी जगह पर न्यूज़पेपर में भी दिया है कि जो आपकी डेट सीज 31/1/2 BTC की जारी हो रही थी वो बिल्कुल से फेक है, क्योंकि PNP द्वारा उसका खंडन कर दिया गया है, और जो डेट सीट आएगी वो 1 या 2 दिन में लगभग आपके आ जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, डेट सीट जब आ जाएगी। तो देखिए, DLA द्वितीय सेमेस्टर, जो कि परीक्षा 2019, और यह जो हमने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनकी श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और ये अंतिम समय के लिए आपके ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे, क्योंकि आप अंतिम समय में जितना तैयार कर सकते हो आप बेहतर ही उतने एग्जाम हॉल में परफॉर्म अच्छी कर पाओगे। इसलिए आपकी तैयारी और हमारे प्रयासों द्वारा जो आपका एग्जाम हॉल है, जब आप पेपर एग्जाम देकर आओगे आपका रिजल्ट आएगा तो स्कोर आपका 90+ रहेगा, क्योंकि हमारे चैनल से अगर आपने तैयारी की है कि बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड कराएं और बेहतर क्लासें आपको प्रोवाइड कराएं, और अंतिम समय में भी आपके साथ जो कि मॉडल पेपर प्रश्न पत्रों की श्रृंखला आपके साथ यानी सीरीज को चलाया जा रहा है। अगर आप इस मॉडल पेपर की सीरीज को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं जो कि मॉडल पेपर फर्स्ट है, और यह जो है मॉडल पेपर पंचम प्रश्न पत्र का है, जो कि सामाजिक अध्ययन का है। इस प्रश्न पत्र को जो करने का समय निर्धारित है वो 2 घंटे होता है, और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्ण अंक है वो 50 अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देने होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में देने होंगे। मित्रों, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मॉडल पेपर है और लगभग इसमें 40 क्वेश्चन हैं और सभी का आपको स्पष्ट व्याख्या की गई है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आपको वीडियो पसंद आ रही है, मॉडल पेपर पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें अवश्य बताएं कि आपको मॉडल पेपर पसंद आ रहा है या नहीं, या कुछ और सुधार चाहिए, और सभी शिक्षक साथियों के साथ इसे अधिक से अधिक करें शेयर। फर्स्ट पार्ट है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का है, और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, इसलिए प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर पढ़ें और उसका उत्तर भी समझकर ही दें। तो देखिए, सम्राट अशोक के पिता थे, तो देखिए प्रश्न पत्र में क्वेश्चन फर्स्ट ही है कि सम्राट अशोक के पिता क्या थे। तो देखिए, सम्राट अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो कि आपका फर्स्ट होगा, यानी सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था। सेकंड है बाघ की गुफाएं, आपने बाघ अभ्यारण भी देखा होगा, जो कि बाघ की गुफाएं सबसे अधिक पाई जाती है MP में यानी मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी MP यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं, हाँ आप ग्रंथों के अवश्य नाम और लेखक के नाम अवश्य याद करके जाएंगे, क्योंकि आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, या तो शॉर्ट आंसर में मिल सकते हैं आपको या वस्तुनिष्ठ में अवश्य मिलेंगे। तो देखिए, जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विशाखा दत्त, और कालिदास द्वारा मालिका विक्रम और आगे पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो इसी तरह आप सभी को यानी जितने भी आपके नाटक हैं, ग्रंथ हैं, उन्हें याद करके जाना साइड में, क्योंकि आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चनों से बनने की संभावना है। नेक्स्ट है गुप्त काल की भाषा थी, यानी जो गुप्त काल था, वैदिक काल था। वैदिक काल में आप जानते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था, जो भाषा थी, वो संस्कृत थी, इसलिए इस जो गुप्त काल की भाषा थी वो संस्कृत होगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है संतलत काल में सैनिक को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी, यानी जो सल्तनत काल था उस समय, यानी जो नगद वेतन देने की प्रणाली किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो आपको याद होगा कि सल्तनत काल में जो नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है पृथ्वी रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, पृथ्वी रासों एक ग्रंथ है, और इसके जो लिखा हुआ है वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ है। तो पृथ्वीराज रासों के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया था वो अग्निकुंड से था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी अग्निकुंड से। नेक्स्ट है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। तो देखिए, सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं उनका जो दरगाह स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली में। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो देखिए पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कांचीपुरम में था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा कांची होगा, ऑप्शन ए कांची इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, संतलत काल में प्रांतों को कहते थे, यानी संतलत काल में जो प्रांत होते थे, राज्य होते थे, उन्हें क्या कहते थे? तो संतलत काल में जो प्रांतों या राज्य को, राज्य अगर यहाँ पूछा जाता तो राज्य को भी एकता कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एकता। नेक्स्ट है, भूकंप मापने की इकाई है। तो देखिए, भूकंप इकाने की यानी जिससे द्वारा मापा जाता है उसकी इकाई का नाम बताना है आपको, तो भूकंप रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट है, संगमरमर है। तो देखिए, संगमरमर एक ऐसा है जो रूपांतरित है या कायांतरित सेल बोलते हैं हम इसे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी रूपांतरित या कायांतरित सेल होती हैं ये, अग्ना सेल और शादी सेल अलग होती हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं, यानी जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूभाग होता है हम उसे क्या कहते हैं, यानी समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाद्वीप कहलाता है वह। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर है। आप सभी जानते हो कि जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी प्रशांत महासागर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान था, अगर आपसे भारतीय संविधान के कार्यकारी अध्यक्ष के अध्यक्ष पूछे जाएं तो आपको याद होगा जो कार्यकारी या निर्माती संघ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो संविधान सभा के अस्थायी या प्रथम बैठक के अध्यक्ष पूछे जाएँ तो राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, कितना समय लगा था और उसे किस दिन लागू किया गया था। तो इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए नीति निर्देशक तत्वों को हमारे आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। नेक्स्ट है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी जो निजी क्षेत्र होते हैं और सार्वजनिक होते हैं, सभी के लिए जो क्षेत्र होते हैं उनका सह अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व पाया जाता है ऐसी व्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट सेशन है आपका, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्नों का है, पार्ट बी होता है आपका, और अति लघु उत्तरी प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, लगभग 25 शब्दों में देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो देखिए, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जितने भी हमारे लेखक हैं उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कालिदास हुए, मेगस्थनीज हुए, ब्रह्मचर्य बारे में, विशाखा दत्त हुए, बाणभट्ट हुए, इन सभी की जो पुस्तकें हैं, इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो सभी आपको देखने हैं, साइड में देखकर जाना, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मेगस्थनीज द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी या जो लिखा गया था वो इंडिका था, इसलिए इसका आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति प्रश्न में पूछी गई है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकता है, इसलिए हमने सभी जितने भी बौद्ध संगीत हुई थी उन सभी को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो फर्स्ट बौद्ध संगीत हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो कि राजगृह और जो शासनकाल था उनका अजातशत्रु के समय हुई थी। सेकंड जो हुई थी 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी और इसके समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। और जो थर्ड हुई थी यानी 255 ईसा पूर्व हुई थी, और जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके समय यानी सम्राट अशोक के समय हुई थी। और जो फोर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन में हुई थी, और जिस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछा जाए अगर बौद्ध संगीति से तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, इसलिए हमने चारों ही बौद्ध संगीतियों को स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो देखिए, खजुराहो जो मंदिर था उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा या चंदेल राजाओं द्वारा करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चंदेल राजाओं द्वारा। नेक्स्ट है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए, राजपूत कालीन जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे उनके नाम बताने हैं। तो देखिए, राजपूत कालीन समय में यानी जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, एक नालंदा था, विक्रमशिला था, काशी था, उज्जैन था, इनमें से किन्हीं, जैसे ही अगर दो का पूछा जाता है तो दो लिख सकते हो, अगर तीन पूछे जाते हैं, हमने अधिकतम चार दिया है इसलिए आपको याद रखनी है, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से इसे उत्तर दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ मित्रों, यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है, अगर प्रश्न पसंद आ रही है, मॉडल पेपर भी पसंद आ रहे हैं, तो इसे अधिक से अधिक सभी शिक्षक साथियों के साथ, यानी जितने भी हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बीटी से भाई बंधु, सभी के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो देखिए, महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, जो 17 बार आक्रमण किया था, 1025 में किया गया था, तो आपको याद रखना है कि जो आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया गया था, वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, और सोमनाथ मंदिर को जितने भी हमारे कीमती हीरे जेवरात थे उन्हें लेकर के वो विदेश चला गया था।
नेक्स्ट है सल्तनत कालीन आय के दो साधन लिखिए, यानी जो सल्तनत काल में जो आय के मुख्य साधन थे, दो पूछे हैं, तीन भी पूछे जा सकते हैं, तो प्रमुख साधन थे। तो देखिए उसर एक कर था जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी मुसलमान जब भूमि पर उगाते थे, फसल उगाते थे, उनसे लिया जाने वाला कर उसर था। इसी तरह जजिया या खराज कहते हैं हम इसे, जो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, यानी जो हमारे गैर मुसलमान थे जैसे हिंदू वर्ग में आते हैं सभी, उन पर जो लगाए जाने वाला जो कर था जिसे जजिया या खराज कर भी कहते हैं। नेक्स्ट है परतदार सेल के दो उदाहरण दीजिए, यानी सेल आपके पता है आप कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से आपको कायंत्र सेल होते हैं, अवसादी सेल होते हैं, तो इस तरह आपको परतदार जो सेल होते हैं उनके उदाहरण देने हैं। तो देखो जो परतदार सेल होते हैं उनमें से बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है, ये दोनों ही परतदार सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है जो कि अमेरिका की अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका की जो अमेजन नदी है वो सब विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक क्रियाएं या पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पृथ्वी की जो मुख्य रूप से आंतरिक क्रियाएं हैं या आंतरिक भाग हैं वो भूपर्पटी है, मेंटल है, कोर है, क्योंकि देखिए ये पृथ्वी है आपकी, तो देखिए सबसे ऊपरी सतह आपकी भूपर्पटी कहलाती है, उसके बाद आपकी आती है मेंटल आता है और कोर आती है, इस तरह आपको ये तीनों ही यानी भूपर्पटी यानी तीन परतों में विभाजित होती है। नेक्स्ट है सूर्य ताप किसे कहते हैं, तो देखिए सूर्य ताप एक ऐसा ताप होता है या जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को हम या सौर विकिरण ऊर्जा होती है, सौर विकिरण जो सूर्य से तरंगी माध्यम में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में 20 सेकंड में पहुंचता है, यार अगर सेकंड में समय पूछा जाए तो इसे 500 सेकंड लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि सूर्य से जो पृथ्वी तक जो सौर विकिरण द्वारा जो ऊर्जा या किरणें पहुंचती हैं हम उसी को सूर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वार भाटे से आप क्या समझते हो, यानी जो ज्वार भाटा होता है जो चंद्रमा के आकर्षण के कारण, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आना इसे कि ज्वार भाटे से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। अगर यही प्रश्न अगर इस तरह पूछ लिया जाता कि संविधान सभा की निर्मात सभा के अध्यक्ष थे, तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, और जो निर्मात सभा पूछी जाए तो उसके राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए, तो देखिए भारतीय नागरिकों संविधान से हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से 6 मूल अधिकार हैं हमारे, उनमें से भी किसी किन्हीं दो मूल अधिकारों को आप लिख सकते हो स्पष्ट रूप से, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि जो आपको उचित लगे आप उन्हें दो मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर सकते हो। और आप जानते हैं कि हमारे पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हम मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, अगर प्रश्न में इसी तरह श्वेत क्रांति पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, और जो हरित क्रांति के हैं वो एम एस स्वामीनाथन हैं, इन दोनों को आपको याद रखना है श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और जबकि हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन महोदय हैं, आपको याद रखने ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए, तो देखिए जो अर्थव्यवस्था है जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसे जो मूल समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी जो मूल समस्या अर्थव्यवस्था की है कि असीमित आवश्यकताएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन सीमित हैं और उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, इसलिए जो सबसे बड़ी मूल हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है वही है कि असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन हमारे पास संसाधन उपयुक्त हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए प्रत्येक अंक के लिए दो अंक यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक निर्धारित होते हैं, इसलिए प्रश्न को समझ कर ही लिखें और अच्छे तरीके से, और देखिए आप अगर उत्तर देते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आप पैराग्राफ में यानी आप ये नहीं कि 8 से 10 लाइन लिखोगे तभी आपके 75 शब्द पूर्ण होंगे और आपके दो अंक पूर्ण अर्जित होंगे, जी नहीं, आप देखिए स्पष्ट रूप से टू द पॉइंट लिखें, और क्योंकि एग्जामिनर के पास जो चेक करता है कॉपी एग्जामिनर होता है तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी 8 से 10 लाइन को पढ़ सकें, इसलिए सीमित शब्दों में ही और उसको ग्राफिकल मेथड में इस तरह पॉइंट बाई पॉइंट का आपको क्या उसे उत्तर दें, जिससे क्या होगा स्पष्ट रूप से वो देख पाएगा, देखने के बाद तुरंत ही वो आपको दो अंक प्रदान करेगा, इसलिए आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हो।
तो क्वेश्चन इसमें 30 है, फर्स्ट है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी जो मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको आपको संपूर्ण तरीके से व्याख्या करनी है, यानी मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और वो किस प्रकार राज्य का प्रशासन करते थे, उनके मंत्री किस प्रकार थे, किस प्रकार वो शासन लागू किया था, आपको इस तरह स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, तो देखिए गुप्तकाल के समय जो प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे यानी देश विदेश में आयात निर्यात होता था, उन बंदरगाहों से, बंदरगाह आप जानते हैं कि प्रति यानी देशों में आयात निर्यात के साधन थे गुप्तकाल में, तो जिनसे के द्वारा जो बंदरगाह थे प्रमुख उन्हें आपको बताना है और उनके स्पष्ट भी करना है। नेक्स्ट है बड़ौच तथा ताम्रत इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे, यानी देखिए हमने आपको लिख दिया है कि जो गुप्तकाल के प्रमुख बंदरगाह थे दो की संख्या लिखी हमने, तो देखिए बड़ौच और ताम्रप्लेस जो इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे इनके द्वारा ही यानी इस काल में जो आयात निर्यात होता था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, इन योजनाओं का क्या परिणाम हुआ, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो अपने शासनकाल में ये योजनाएं लागू की गई थी उन योजनाओं का परिणाम क्या हुआ, कितनी सफल हुई और योजना असफल हुई, उनका कारण क्या था, सभी को आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, इसलिए स्पष्ट रूप से आपको ग्राफिकल मेथड में आपको इनके उत्तर दें जिससे आप अधिक अंक अर्जित कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 है हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, नामोल्लेख कीजिए, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप होते हैं और 7 महाद्वीपों के आपको नाम उल्लेख करने हैं, इसलिए मैंने आपको नाम नहीं दिया है क्योंकि आप अच्छी तरीके से पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 होती है, इसलिए 7 के आपको नाम उल्लेख यानी नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में अपने विचार में लिखिए, तो देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे जो संविधान में है मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य हैं उनके विचार में आपको स्पष्ट रूप से विचार लिखने हैं आप, यानी मौलिक कर्तव्य क्या क्या होती हैं, किस तरह आपके लिए जो कर्तव्य हैं आपके मूल कर्तव्य हैं किस तरह आपको उनको निर्वाह करना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको इनके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 36 है जल के स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए, तो देखिए आप विधिवत रूप से जानते हो कि जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं और लिखना है, जैसे वर्षा का है, वर्षा का जल है, तालाबों का जल है, नदियों द्वारा जल प्राप्त है, झरनों द्वारा जल प्राप्त है, ये काफ़ी वर्षा के जल के स्रोत होते हैं, आप इनके रूप में भी लिख सकते हैं, दो दो शब्द या तीन तीन शब्द लिख सकते हैं और इससे इनको स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 37 प्रश्न है वायु क्या है, वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है, तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वायु क्या होता है, वायु कई गैसों का मिश्रण है जिसमें हमारे सभी अधिकतम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य अक्रिय गैसें भी इसी में मिश्रित होती हैं, और जो सबसे अधिकतम पाई जाती है यानी 78% आपकी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि 1.1% कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें और अन्य गैसें इसमें पाई जाती हैं, तो इनके कारण अधिकता होती है और इनके गर्म होने से आप जानते हैं कि जब वायुमंडल में जब वायु गर्म हो जाती है तो इसके जो क्या है वायुमंडल में और इसके कारण जो वायु की जो हरित गृह प्रभाव होता है वो स्पष्ट रूप से आपको लिखना है इसी रूप में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 है हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, यानी हमारे देश के लिए जो संविधान निर्मित किया गया था वो किसके द्वारा क्यों निर्मित किया गया था और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए संविधान किसी देश का आप जानते हैं कि उसकी जो शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है, इसलिए आपको संपूर्ण रूप से यानी हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं दो उपायों के बारे में लिखिए, तो देखिए कृषि विकास हेतु भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या उपाय चलाए जा रहे हैं उनके बारे में लिखना है, जैसे सभी किसानों को निःशुल्क यूरिया प्रदान करना है या जो नीम लेपित यूरिया है या जो उन किसानों के लिए बीज उत्पन्न कराना है, तो इस तरह जितने भी हमारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा आपको स्पष्ट रूप से उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए, यानी चंद्रगुप्त का मौर्य का जो जीवन परिचय उनका जन्म कहाँ हुआ था उनके पिताजी का नाम दो कंप्लीट रूप से यानी उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालना है स्पष्ट रूप से करना है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अधिक से अधिक सभी शिक्षक साथियों यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी अध्यापकों के साथ उसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमारे पास जो पूर्व में आपके जो BTC के एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चलाई जाएगी या उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट में आप लघु में और अति लघु सभी प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जाएगी जो कि आपकी एक घंटे पहले एग्जाम से एक घंटे पहले के लिए निर्धारित होगी, जिससे आपको लगभग 70-80% आपको उसमें से भी मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार मित्रों।